नमस्कार, जनाधार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं महिपाल सिंह रावत। दिल्ली में 8 फरवरी को 70 विधानसभा सीट में मतदान होने जा रहा है। 70 विधानसभा सीट के प्रत्याशी अपनी किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद कर देंगे, जिसका परिणाम 11 फरवरी को तय होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे दिल्ली के हरिनगर विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण की। हरिनगर विधानसभा सीट 1993 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। 1993 से लेकर 2008 के चुनाव तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ व कद्दावर नेता हरिशरण सिंह बल्ली यहाँ पर लगातार 4 बार विधायक रहे। लेकिन 2013 में यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा करा। आम आदमी पार्टी के जगदीप सिंह ने यहाँ पर विजय हासिल करी। वही 2015 चुनाव की बात करें तो 2015 चुनाव में आम आदमी पार्टी के जगदीप सिंह दूसरी बार जीत हासिल करने में सफल रहे। अब 2020 का चुनाव आ चुका है। 2020 के चुनावी समीकरण अलग हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक जगदीश सिंह का टिकट काट के कांग्रेस के पूर्व पार्षद राजकुमारी ढिल्लो को मौका दिया है। बता दें, राजकुमारी ढिल्लो आम आदमी पार्टी के टिकट वितरण से मात्र 24 घंटे पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तीखे ट्वीट के लिए मशहूर सोशल मीडिया में छाने वाले तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को मौका दिया है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सुरेंद्र सेट्टी को यहां पर मैदान में उतारा है। बात करें चुनावी समीकरण की तो आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक जगदीश सिंह टिकट कटने से नाराज हैं, वो राजकुमारी ढिल्लो के संग नहीं दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लगातार 4 बार विधायक हरिशरण सिंह बल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो बीजेपी को भी उस बात का नुकसान है। वहीं कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह सेट्टी भी अब पूरी जद्दोजहद के संग तैयारी से इस सीट पर लगे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबले में कौन जीतता है। क्या तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा भारतीय जनता पार्टी को जीत के ट्रैक में वापस लाते हैं, या फिर राजकुमारी ढिल्लो आम आदमी पार्टी को जीत की हैट्रिक दिलाने में सफल रहती है, या कांग्रेस के सुरेंद्र सेट्टी सबको हैरान कर जीत हासिल करते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।